यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग दी गई है, 1000 वॉट का इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है और पूरे 2 साल की वारंटी इसके ऊपर मिल जाती है। नॉन स्टिक कोटेड हैवी सोल प्लेट इसमें मिल जाती है, मल्टी फैब्रिक टेम्परेचर कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा ये काफी हैवी वेट ड्राई आयरन है, मॉडल है रीगल, अगारो रीगल इलेक्ट्रिक आयरन। साइड यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। वोल्टेज है 1000 वॉट, एमआरपी है 1495 रुपीज, लेकिन इस समय अमेजोन पर आपको ये लगभग 850 रुपए मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसे निकालते हैं बाहर और देखते हैं कैसा है ये इलेक्ट्रिक आयरन। तो पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड भी दिया गया है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अलग से वारंटी कार्ड दिया गया है, यानी एक्सटेंडेड वारंटी का कार्ड दिया गया है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लेते हो तो आपको 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी, यानी टोटल 2.5 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। तो ये है अगारो रीगल इलेक्ट्रिक आयरन। इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। नीचे का पोर्शन पूरी तरह से मेटल से बना हुआ है और ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक से बना हुआ है। यहां पर जो हैंडल दिया गया है इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी है और काफी हैवी वेट इलेक्ट्रिक आयरन है। मल्टी फैब्रिक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब यहां देखने को मिल जाती है, पावर LED इंडिकेटर यहां पर दिया गया है। इसके अलावा ऊपर की साइड यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो केबल है वो 360 डिग्री इस तरह से घूम जाती है, यानी जब आप इसे यूज कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी केबल यहां से इस तरह से 360 डिग्री तक घूम जाती है। 6 एम्पियर के सॉकेट में आप इसको यूज कर सकते हो और केबल की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लग रही है। ISI मार्क केबल यहां पर दी गई है। तो यहां पर इस तरह का डिजाइन दिया गया है जिससे आप इसे जैसे यूज कर रहे हो तो इस तरह से आप इसे रख सकते हो। यहाँ पर रखने का इस तरह का एक स्टैंड टाइप का हमें देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड नॉन स्टिक कोटेड हैवी सोल प्लेट यहाँ पर दी गई है, काफी मोटी सोल प्लेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो काफी हैवी इलेक्ट्रिक आयरन है, एक बार इसका वेट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका वेट है लगभग 1400 ग्राम, इसका वेट है लगभग 1.5 किलो, आप इसका वेट मान के चल सकते हो। तो अब मैं इसे यूज करके देख लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है स्टिकर आपको रिमूव कर देना है यूज करने से पहले। यहाँ पर हमें मल्टी फैब्रिक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दी गई है जिससे आप अपने फैब्रिक के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। खासतौर से आपने देखा होगा जो लाइट वेट आयरन होते हैं उनमें जो इस तरह के लेनिन के कपड़े हैं या फिर इस तरह के जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये शर्ट देख रहे हो, लेनिन का शर्ट है ये यहाँ पर, तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं इनमें से जो सलवटें हैं हटाना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आपकी लाइट वेट आयरन है। और इस तरह के जो हैवी वेट आयरन है वो इस काम में बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं, काफी बढ़िया से आपके कपड़ों पर ये इस्त्री कर देते हैं। तो यहां से मैं इसको सेट कर देता हूं, यहां पर हमारा जो लेनिन वाला ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर मैं इसे यहां पर सेट कर देता हूं। तो मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है, यहां पर आपको पावर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और मैंने इसकी टेम्परेचर नॉब को कॉटन के ऊपर सिलेक्ट कर दिया है और इसके अंदर बहुत ही फास्ट हीटिंग हमें देखने को मिल जाती है, बहुत जल्दी ही ये आयरन हीट हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो कट ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही ये ओवर हीट होगी यहाँ पर ऑटो कट ऑफ हो जाता है। इसका वजन ज्यादा है, हैवी वेट आयरन है, तो आपको ज्यादा इसे जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेशर लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आराम से इस तरह से आप बहुत ही ईजीली आयरन कर सकते हो, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देखो पूरी तरह से जो भी इसमें सलवटें थी पूरी तरह से हमारी सलवटें यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। इसके अंदर ओवर हीट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, ऑटो कट ऑफ का फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। अगारो का ये इलेक्ट्रिक आयरन मुझे बहुत बढ़िया लगा, कीमत भी काफ़ी कम है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हैवी वेट आयरन है जिससे आप कॉटन जैसे कपड़ों पर भी आराम से आयरन कर सकते हो, सारी सलवटें इसकी दूर हो जाती हैं। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।